तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। हम भी मस्त हैं। तो हम ला के आए हैं अपने चैनल पे एक नया ब्लॉग। गाइस, कुछ मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि कॉमेडी क्या थोड़ा ब्लॉगिंग भी हो जाए अपने दर्शकों और जो नए सब्सक्राइबर आएंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। और दोस्तों, मुझे इस बात की चिंता है कि अभी अभी मैं नाचने के लिए, डांस के लिए स्टार्ट होने ही वाला था, तो तब तक मैंने यूट्यूब पे न्यूज़ देख ली कि जो ट्रेनिंग में था हमारे देश में, क्या विदेश में भी ट्रेनिंग में चल रहा था इंदर आर्य जी का गाना ठुमक ठुमक जब ही टली तू पहाड़ी बटोमा। और सच में गाइस, उसे सुनकर मेरे आंसू आने लग गए थे। फिलहाल मैंने कहा सभी दोस्तों को बताई देता हूँ, किसी किसी को पता नहीं होता है, किसी किसी के अभी कीपैड वाले फ़ोन रखे हैं, तो अब बताना ज़रूरी है हमको। सारे देश में और सारे विदेश में वो गाना कितना फेमस था, लोग रोते थे उस गाने के लिए, और आज मुझे खुद रोना पड़ा। इंदर आर्य जी क्या सोच रहे होंगे कि पहले क्यों नहीं दिया उन्होंने कॉपीराइट, और 126 मिलियन होने के बाद उस पर कॉपीराइट दे दिया, और अपने ही उत्तराखंड वाले अपने ही उत्तराखंड को पीछे करवाने पे लगे हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता भाई, ये तो सही बात नहीं है भाई। अपना उत्तराखंड है, अपने उत्तराखंड में रहते हो, राशन पानी सब उत्तराखंडी में खाते हो, फिर वो गाने पे पता नहीं किसने क्या कर दिया। उस गाने की बात की जाए तो उस गाने पे जानबूझ के कॉपीराइट लगाई गई है। दोस्तों, हमने ये भी सुना है कि थोड़ा जो इंदर आयर ने वो गाना गाया है तो वो लिरिक्स मैच कर रही है किसी दूसरे के गाने से। एक पुराना गाना था, बल पुराने ज़माने का, पता नहीं क्या था, हमने सुना अभी नहीं। हमने सुना तो वही सुना जो ट्रेंड में चला, और सब लोगों ने बहुत ही प्यार दिया उस गाने को। इतने में फ़र्क क्या पड़ता, जब गा ही लिया था तो उन्हें भी, जिन्होंने कॉपीराइट लगाई है उन्हें भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए था इंदर आर्य जी को, और भी नई नई गाने निकालता अपने, हमको भी शादी में नाचने के लिए ठीक हो जाता, और देश विदेश वाले भी अपने ठुमक ठुमक ठुमके लगाते। दोस्तों, बस आज मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। मैं इसीलिए आज आपको देखने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि किसी किसी को पता नहीं है, तो हमने ये वीडियो बना दी है। आप लोग जितना शेयर हो सके, कमेंट हो सके करिए, और विदेश तक मेरी वीडियो भी ज़रूर पहुँचाइए। जय हो, जय भैरव देवता, जय नरसिंह देवता, जय उत्तराखंड।